अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए इस साल के लिए काउंसलिंग शेड्यूल किस तरीके से रहने वाला है, आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग रहेगी, काउंसलिंग शेड्यूल किस तरीके से बनता है। डिटेल्ड वीडियो मैंने इस पर बनाया है, मैं आपको सारी डिटेल समझाऊंगा कि काउंसलिंग में आपको क्या करना होता है, किस तरीके से काउंसलिंग चलती है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो आप देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले वीडियो जरूर एंड तक देखना अगर आपको सब कुछ जानना है काउंसलिंग के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन रहने वाली है कि ऑनलाइन रहने वाली है, इन दोनों में फ़र्क क्या है और अच्छी कौन सी वाली है, जो ऑफलाइन वाली है वो अच्छी है कि ऑनलाइन वाली, इनमें फ़र्क क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कितना फ़ी लगेगा आपको, किस तरीके से काउंसलिंग चलती है चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ से आप पिछले साल की पहली नोटिफिकेशन देख सकते हो जो कि ऑनलाइन काउंसलिंग के रिलेटेड आई थी जेके बोपी की तरफ से, तो 2022 के लिए यहाँ से आप देख सकते हो। इसमें क्या लिखा गया था, डायरेक्टली पहले इन्होंने लिखा था कि आपने एग्ज़ाम दिया जिस भी कैंडिडेट के 30 से अबो पॉइंट्स हैं या 30, तो मिनिमम स्कोर 30 था, पिछले साल कट ऑफ गया था, वो काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, वो काउंसलिंग कर सकता है। ऑनलाइन आपको काउंसलिंग करी थी जेके बोपी की ऑफिशियल साइट पे, इसकी एक लिंक दी गई थी, एक विंडो निकाला गया था, उस पर आपको क्लिक करना था, फिर वहाँ से आपको अपनी डिटेल्स देनी थी, आपके कितने मार्क्स वगैरह हैं, फिर जो ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म है वो फिल करना था। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया था, ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल, तो इसके लिए एक शेड्यूल निकाला गया था जिसमें आपको कॉलेजेस कोर्स सेलेक्ट करने थे, कौन कौन सा कॉलेज आप सेलेक्ट करना चाहते हो, कौन सा कोर्स आप सेलेक्ट करना चाहते हो, डायरेक्टली आपको ऑनलाइन सब कुछ करना था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको लगभग 1000 रुपीज़ फ़ी देना पड़ा जब आपने काउंसलिंग फॉर्म फिलअप किया, वो भी ऑनलाइन ही आपको पे करना था डायरेक्टली उनकी साइट से। तो इस तरीके से ऑनलाइन काउंसलिंग चलती है। उसके बाद डायरेक्टली आपका मेरिट लिस्ट आया, आपको कॉलेज अलाट किए गए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस प्रेफरेंस, तो यहाँ से आप देख सकते हो जो आपने प्रेफरेंस दी थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत सारे कॉलेज रखे थे क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं थी, आप कितने भी कॉलेज चाहे रख सकते थे। लेकिन जब आप जेके बोपी में फिजिकली विजिट करने जाते हो वहाँ पे 10 या 15 कॉलेज रखते हो आप, लेकिन इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऐसी बहुत सारे कॉलेज रखे थे और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने 2-2, 4-4 कॉलेज रखे थे, फिर उनको कॉलेज ही नहीं मिला, तो ये भी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि पहले सीखना पड़ता है कि किस तरीके से हमें चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरीके से हमें प्रेफरेंस देनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन हुआ था क्योंकि पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग जेके बोपी ने की थी बीएससी नर्सिंग के लिए। तो इस तरीके से आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो चलती है जेके बोपी में। फिर क्या हुआ मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जब अप्लाई किया, बहुत सारे कैंडिडेट्स को मिला कॉलेज, बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं मिला। अब आप देखिए पिछले साल ऑनलाइन हुई, उसके बाद सेकंड राउंड जो हुआ वो हुआ ऑफलाइन। तो यहाँ से आप देख सकते हो कंडक्टिंग ऑफ सेकंड राउंड फिजिकल काउंसलिंग फॉर अपग्रेडेशन अलॉटमेंट ऑफ सीट्स। तो सेकंड राउंड के लिए क्या हुआ, इसमें अपग्रेडेशन कर सकते थे बहुत सारे कैंडिडेट्स, मतलब अपना कॉलेज चेंज कर सकते थे या दूसरा कॉलेज ले सकते थे। तो ऑब्वियसली अगर वो ऑनलाइन करते, वो ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं था, कैसे कर सकते थे कैंडिडेट्स अपने कॉलेज चेंज, तो आप खुद सोचिए फिर जेके बोपी वाले इस तरीके से अपना सीट मैट्रिक्स बनाते, वो तो कंफ्यूज हो जाता ना कि अगर किसी ने पहले राउंड में सीट ले ली है, उसने वो कंफर्म की है, अब वो दूसरे राउंड में चेंज कराना चाहता तो ऑनलाइन उनको कैसे पता चल जाता। इसलिए उन्होंने सेकंड राउंड जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन रखी ताकि हमें पता चल जाए अगर कोई कैंडिडेट चेंज कराना चाहेगा सीट तो वहाँ से हम वो वैकेंट कर ले और यहाँ से उसको दूसरी सीट दे दे। इस तरीके से काउंसलिंग चलती है, सबसे बड़ा मेन रीज़न यही था। तो यहाँ से आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज बुलाया गया था कैंडिडेट्स को। पहले आप यहाँ से देख लो 12/1/2030 को एक रैंक से लेकर 8551 रैंक तक जितने भी कैंडिडेट्स ST SC OSC JKPM PSP SC SP ALC IB CDP कैंडिडेट्स थे जिनके पास ये कैटेगरीज थी उनको बुलाया गया, तो वो जा सकते काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो काउंसलिंग शेड्यूल RBA के लिए आया, फिर ऑल कैंडिडेट्स ओपन मेरी कैटेगरी जो ऑल कैंडिडेट्स थे उन सब के लिए, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो इंक्लूडिंग EWS। तो इस तरीके से काउंसलिंग शेड्यूल बनता है आपको, यहाँ तो कैटेगरी वाइज आ जाएगा, यहाँ आप देख सकते हो जो आपकी रैंक है रैंक के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। तो ऑफलाइन काउंसलिंग इसी तरीके से चलती है। ऑफलाइन काउंसलिंग में डायरेक्टली आपको जेके बोपी ऑफिस विजिट करना पड़ता है जो कि श्रीनगर में है और जम्मू में है, तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली ऑफलाइन प्रेफरेंस देनी पड़ती है, वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस आप देखते हो, पहले आप सीट मैट्रिक्स देख लेते हो, सीट मैट्रिक्स भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी, उसमें क्या होता है किस तरीके से सीट मैट्रिक्स फ्रेम किया जाता है, तो वो वीडियो भी जल्दी आएगा हमारी चैनल पर। उसके बाद आपको इस तरीके से काउंसलिंग चलती है। यहाँ से आप देख सकते हो कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड, इसके लिए कुछ रूल्स भी होते हैं,
जिन्होंने पहले राउंड में कॉलेज लिया होता है फिर ज्वाइन नहीं किया होता है वो दूसरे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ से आप पॉइंट्स देख सकते हो, यहाँ जिन्होंने कैंसिल किया होता है एडमिशन वो भी एलिजिबल नहीं होते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें होते हैं, वो मैं जब काउंसलिंग शेड्यूल आएगा तब डिस्कस करूँगा उसके रिलेटेड। बाकी यहाँ से आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूँ सेकंड राउंड के लिए जो काउंसलिंग आई थी वो फिजिकली आपको विजिट करना था। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो सब मेंशन किया गया था इसमें। और आपको डायरेक्टली अगर आपने फर्स्ट राउंड में पे नहीं किया था 1000 रुपीज़, तो सेकंड राउंड में अगर आप एलिजिबल थे तो आप जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट करके आपको 1000 रुपीज़ फिर पे करने थे। जिनने पहले राउंड में किए थे उनको दोबारा नहीं करने थे, ये कन्फ्यूजन यहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूँ। एक ही बार इसमें फ़ी देना पड़ता है, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन की गई थी। अब रहा सवाल इस साल क्या होगा, देखिए मैं आपको बता दूँ कि इस साल जो काउंसलिंग शेड्यूल है मुझे लगता है जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ पहले ऑनलाइन होगी उसके बाद ऑफलाइन होगी, जहाँ तक मैं बोलता हूँ सेम लास्ट ईयर की तरह, क्योंकि इनको फिर आसान हो जाएगा। अगर ये पहले ऑनलाइन करेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स चले जाएंगे, सीट्स ले लेंगे, उसके बाद अगर ये ऑफलाइन एक दो राउंड्स और भी करेंगे ऑफलाइन तो वो ईजी इनके लिए हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे राउंड्स अगर ये ऑफलाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी JKBOP ऑफिस में, फिर इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक एक करके उठाना पड़ेगा। ऐसे कैंडिडेट खुद अपने फ़ोन से अगर कॉलेज सेलेक्ट करेगा ऑनलाइन काउंसलिंग करेगा तो इनको टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं आपको ये बता दूँ अभी कन्फर्म नहीं है कि ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, लेकिन जहाँ तक मेरे हिसाब से 90% चांस है कि पिछले साल की तरह हो जाएगा, पहले ऑनलाइन हो जाएगी आपकी काउंसलिंग उसके बाद ऑफलाइन हो जाएगी, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया अभी सेम इसी तरीके से इस साल भी हो जाएगी। बाकी हम देखते हैं किस तरीके से नोटिफिकेशन आती है। मैंने JKBOP ऑफिस कॉल करके कन्फर्म भी किया था कि ऑफलाइन होगी ऑनलाइन, उन्होंने मुझे बोला ऑनलाइन, तो ऑब्वियसली पहले ऑनलाइन ही होगी उसके बाद ही ऑफलाइन, देखते हैं 90% चांस यही है। बाकी शुरू में इतना ही था, आई होप कि आप सब लोगों के सारे डाउट्स क्लियर रहे होंगे काउंसलिंग शेड्यूल के रिलेटेड। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।